Hi everybody, welcome to Abhimanyu IAS. मेरा नाम है मनिंदर एंड आई एम वन ऑफ द की फैकल्टी मेंबर्स एट अभिमन्यु IAS. थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं तो मैं पंजाब PCS 2020-21 में रैंक 36 हूं पूरे पंजाब में और साथ ही साथ मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर भी हूं बाय प्रोफेशन. मैं पिछले 10 सालों से UPSC स्टेट सिविल सर्विसेज एज वेल एज UPSC एग्जाम्स के लिए मेंटरशिप्स एज वेल एज टीच कर रहा हूँ इन वेरियस सब्जेक्ट्स. लेकिन इन ऑल दीज ईयर्स आई हैव फाउंड माय यू नो फोर्टे विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट. मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अभिमन्यु IAS में एज अ फैकल्टी मेंबर टीच करता हूँ. अगर मैं बात करूँ ये दो सब्जेक्ट्स के बारे में तो ये दो सब्जेक्ट्स के बिना UPSC की सक्सेस स्टोरी जो है वो अधूरी हो जाएगी. देखिए UPSC का एग्ज़ाम में आपको हर सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना ज़रूरी है. तो अब इतना कॉम्पिटिटिव हो चुका है ये पेपर कि आप किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं. और ये दो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें ऑलमोस्ट 30 to 35 क्वेश्चंस जो हैं वो आजकल आ रहे हैं और 30 to 35 क्वेश्चंस किसी भी एग्ज़ाम में मायने रखते हैं. अगर एनवायरनमेंट की मैं बात करूँ स्पेसिफिकली तो 2013 ऑनवर्ड्स एनवायरनमेंट में से क्वेश्चंस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं. इसका रीज़न वन ये है कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्ज़ाम हमने UPSC के एग्ज़ाम में क्लब कर दिया है. साथ ही साथ एनवायरमेंटल इश्यूज़ हमारे टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट और पर्टिनेंट होते जा रहे हैं जिससे सिविल सर्विस जो UPSC या अदर स्टेट सिविल सर्विसेज जो बॉडीज़ हैं इनका थोड़ा सा फोकस इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे हो चुका है. अगर टू वो वेरी स्पेसिफिक हम देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं वो डायनेमिक या करंट अफेयर्स से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं. बट इसका मतलब ये नहीं है कि UPSC कभी बेसिक्स नहीं पूछता. तो UPSC ने अपनी जो ये पूरी की पूरी एनवायरनमेंट को रिलेटेड जो अपना एनालिसिस है वो ये कर दिया है कि काफ़ी अनसर्टनिटी डाल दी है इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर. मतलब कई बार बेसिक्स में से क्वेश्चन आ जाते हैं और कई बार इसमें करंट अफेयर्स फोकस क्वेश्चन आ जाते हैं. करंट अफेयर्स तो एक ऐसी चीज है जो अनलिमिटेड है, हर रोज ही कुछ ना कुछ हो रहा है, सो मेनी सोर्सेज आर देयर. तो वो सारी चीजें इस पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडी को काफी अनसर्टन कर देती है जब आप एग्जाम जो है अटेम्प्ट करने जाते हैं. सेम गोज विद द स्टोरी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी के इश्यूज हमारे जो बेसिक है, जो जैसे हम बोलते हैं जो बेसिक साइंस है, उसके बारे में भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. लेकिन पिछले कुछ सालों में करंट अफेयर्स के ऊपर भी बहुत फोकस है. साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे नैनो साइंसेज, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस रिसर्च, हेल्थ. इन सारे टॉपिक्स में से भी काफ़ी बारी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो बिल्कुल ही लोगों ने कभी टच नहीं किए होते. तो कहने का मतलब ये है कि बेसिकली ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा अनसर्टन हो चुके हैं. लेकिन हम अभिमन्यु IAS में ये बिलीव करते हैं कि अनसर्टनिटी को क्रैक करना ही इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का बेसिक इंग्रेडिएंट है. अगर हम अपने स्टूडेंट्स को और हमारे जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको इस लेवल का टीचिंग दें कि वो बेसिक प्लस करंट अफेयर्स दोनों ही फोकस करें तो मुझे लगता है कि ये दोनों सब्जेक्ट्स इजीली क्रैक किए जा सकते हैं. और हम ऐसी वैल्यू एडिशन करने की कोशिश करते हैं हमारी इंस्टीट्यूट के अंदर. हमारा फोकस रहता है कि पहले हम जो है बेसिक्स के ऊपर फोकस करें ताकि स्टूडेंट्स जो है वो कम्प्लीटली उनको ना एंड टू एंड 360 डिग्री उनको समझ में आ जाए कि ये सब्जेक्ट्स में हो क्या रहा है. एंड ऑन द अदर हैंड हम साथ साथ में उनको डायनेमिक पोर्शन के साथ भी रूबरू कराते हैं ताकि उनका ये स्किल और बेटर हो जाए और कल जब वो एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करें और वो एक डिफरेंट ही कॉन्फिडेंस से एंटर करें एंड फाइनली उनका रैंक जो वो PDF उसमें आए. अभिमन्यु IAS बिलीव्स एट चेंजिंग देमसेल्व्स विद द नीड ऑफ द आर. जैसे जैसे सिस्टम बदल रहा है, जैसे जैसे अनप्रडिक्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है इस एग्जामिनेशन के अंदर, वैसे वैसे ही हमारी ये जो है हमारा जो ये कॉम्पिटेंस है कि हम अपने आप को उस हिसाब से बदलें. तो इसी वजह से वी आर हेयर टू हेल्प यू गाइज एंड एट अभिमन्यु IAS वी बिलीव नथिंग बट इन सक्सेस. इसी वजह से हमने पिछले 23 ईयर्स में मोर देन 2000 से भी ज़्यादा सिलेक्शंस जो है दी हैं.
ये है ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, अबाउट माय सब्जेक्ट्स दैट आई एम गोइंग टू टेक एंड अ लिटिल ऑन के हम इसके ऊपर कैसे जो है वो अप्रोच करेंगे. अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो थैंक यू एवरीबॉडी, टेक केयर, थैंक यू.